नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका गुजरात के दंगल में। आज हम बात करेंगे हार्दिक पटेल पर कि हार्दिक पटेल जो उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू दिया था कि उन्होंने कई सारे ऐसी चीज़ें बोली हैं जो उनकी हकीकत से परे हैं। मैं आपको बता दूं कि हार्दिक पटेल पाटीदारों के रुमाइंदे तो बने हुए हैं, लेकिन रुमाइंदे होने के साथ साथ वो कहीं ना कहीं अपने मुद्दों से भटक जाते हैं। वो कहते हैं कि आरक्षण मुद्दा नहीं है, और वो कहते हैं कि मुझे बीजेपी को हराने का एक मेरा मकसद है, मैं बीजेपी के पीछे पड़ा हूँ और मैं बीजेपी को हरा के रहूँगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आप बीजेपी के पीछे पड़े हैं, अगर बीजेपी को हराने की कोशिश में जुटे हुए हैं, तो फिर आरक्षण जैसे आंदोलन को क्यों आपने उकसाया था? या फिर आप देखेंगे कि जिस तरीके से गुजरात में हार्दिक पटेल ने और कांग्रेस ने कंप्रोमाइज किया है एक की सीटों पे, लेकिन कहीं ना कहीं इन इसके बीच आरक्षण का मुद्दा नहीं दिखता है। मैं आपको बता दूं कि एक इंटरव्यू के दौरान हार्दिक पटेल ने कहा था कि हम सिर्फ सभी आरक्षण की संवैधानिक पर ध्यान दे रहे हैं, चाहे वे इसे OBC कोटा कहें या फिर कुछ और, यह मायने नहीं रखता, लेकिन किसी भी कीमत पर हम आरक्षण चाहते हैं। तो मैं हार्दिक पटेल से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हार्दिक पटेल जो है वो कांग्रेस से जो उन्होंने सीटों पर एक जो उनके शायद मांगे थी कि कांग्रेस से मांगे थी कि वो एक आरक्षण के मुद्दों पर सबसे पहली अगर मांग देखी जाए तो उन्होंने यही मांग की थी कि आरक्षण पर सहमति बनेगी तब हम आपको समर्थन देंगे, लेकिन समर्थन देने की वजह मालूम नहीं चल रही है कि समर्थन आपने किस मुद्दों पर दिया है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हार्दिक पटेल ने एक अखबार में एक इंटरव्यू दिया था और उसमें सब यही कहा था कि हम सिर्फ आरक्षण की संवैधानिक पर ध्यान दे रहे हैं, चाहे वो इसे OBC कोटे से कहें या फिर मायने रखता है कि, लेकिन किसी भी कीमत पर हमें आरक्षण चाहिए। समर्थन देने के बाद ये मुद्दा पता नहीं चल रहा है कि आरक्षण ने किन मुद्दों पे हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को आरक्षण दिया है। या तो फिर एक ये मुद्दा हो सकता है कि जो पाटीदार मारे गए हैं उनको पैसे कुछ लाखों में पैसे दे दिए जाए, उस पर बात बन जाएगी। या फिर दूसरा मुद्दा ये हो सकता है कि कुछ पाटीदारों को नौकरी दिलाने का उन्होंने मुद्दा रखा हो। या फिर ये हो सकता है कि कुछ लोग जो है कुछ सीटों पर बात बनी हुई है। तो ये कुछ मुद्दे हैं शायद इसको कांग्रेस के समक्ष रख करके हार्दिक पटेल ने अपनी बात को मनवाया होगा। जिस तरीके से उन्होंने 24 घंटे के अंदर कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमको जवाब चाहिए कि आप हमारे मुद्दों पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तभी हम आपको समर्थन देंगे। लेकिन आज सुबह जिस तरीके से पता चला है कि उन्होंने, खबरों के अनुसार आ रहा है कि उन्होंने समर्थन दे दिया है, और समर्थन देने के बाद अब गुजरात की सियासत में क्या होने वाला है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। अब बीजेपी कोई ना कोई काट जरूर निकाल रही होगी कि पाटीदार कांग्रेस के साथ आ गए, क्योंकि 15-16% पाटीदार गुजरात के अंदर है। अगर यही पाटीदार कांग्रेस के लिए फायदेमंद घोषित होता है तो बीजेपी की हार निश्चित हो जाएगी। लेकिन क्योंकि अभी एक रणनीति बाकी है बीजेपी में, कि चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह कोई शांत बैठने वाले नहीं है, वो कोई ना कोई रणनीति अपनाएंगे और रणनीति के तहत वो गुजरात में तहलका मचाने के लिए तैयार हैं। और जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था कि जिस तरीके से उन्होंने GST की दरों को कम किया था और बुलेट ट्रेन जैसी बहुत जो गुजरात के अंदर जो उन्होंने ये सारी घोषणा की थी, उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता नज़र आएगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। और सवाल ये उठता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से
एक के बाद एक ताबड़तोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां शुरू होने वाली हैं। उससे कहीं ना कहीं गुजरात के समर में एक भूचाल पैदा होने वाला है, क्योंकि देखा गया है कि नरेंद्र मोदी की जो रणनीतियां होती हैं उनको कोई ऑब्जर्व नहीं कर सकता, उनको कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वो एक अलग वे में जाकर के रणनीति कायम करते हैं और उस रणनीति के तहत बीजेपी को लगाते हैं। और बीजेपी की यही रणनीति कई राज्यों में सफलता घोषित करती है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात के रण में लगे हुए हैं और गुजरात चुनाव को लेकर के वो जिस तरीके संजीदगी से काम कर रहे हैं, उसके फैन खुद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह फैन हो गए। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी काम कर रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जरूर जीतेगी। लेकिन कांग्रेस जीतने के बाद अगर हम कहें कि कांग्रेस जीतेगी तो ये कोई बहुत सिंपल सा काम नहीं है कि कांग्रेस जीत जाएगी, क्योंकि बीजेपी जो 2 दशक से वहाँ सत्ता पर काबिज है, क्या लगता है कि वो जीत हासिल कर लेने देगी? वो एड़ी चोटी का जोर लगा लेगी, लेकिन बीजेपी कांग्रेस को जीत के लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के सत्ता काबिज कर सकती है। और अभी तो पूरा खेल बाकी है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की जो लगातार 30 से 35 रैलियां होने वाली हैं और कई कई रोड शो होने वाले हैं, उसको लेकर के बहुत बड़े कयास लगाए जा रहे हैं कि माफ कीजिएगा, इसी दौरान हो सकता है कि बहुत बड़ा एक खेमा बीजेपी के पास आ जाए। और बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि पाटीदारों के नेताओं को तोड़ने की, कांग्रेस में जो नेता है उनको तोड़ने की, क्योंकि राजनीति का स्वभाव है तोड़ो और फिर राज करो। अब हार्दिक पटेल की अगर हम बात करें कि हालिया विवाद सेक्स टेप में फंसे हार्दिक पटेल पर सवाल किया गया था कि क्या आप और कोई जो उनका पास है पाटीदार अमानत आंदोलन समिति सदस्य की किसी तरह का दबाव महसूस कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था कि मैं बहुत जिद्दी हूँ, इसलिए किसी भी तरह का दबाव मुझे झुका नहीं सकता। हालिया विवाद जो आया था कथित सेक्स टेप से, तो बड़ा प्रेशर क्या हो सकता है, उन्होंने ये भी कहा था। लेकिन सबको एक बात दिमाग में बैठा लेनी चाहिए, उन्होंने कहा था कि हार्दिक पटेल अकेले ही बीजेपी के लिए सरकार के लिए काफ़ी है। हार्दिक पटेल ने कहा है कि बीजेपी के लिए मैं खुद अकेला भारी हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि पाटीदार समूह पूरा, जो पाटीदार समाज है पूरा हार्दिक के पीछे है, इसलिए वो इतनी बाहें फरमा लेते हैं, इतने बड़े बड़े वादे कर दे, इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। वरना अगर पाटीदार समाज आखिर नहीं होता हार्दिक पटेल के साथ, तो शायद वो हार्दिक पटेल की किसी पहचान कोई नहीं होती। आपको बता दूं कि जिस तरीके से चुनावी राजनीति से जोड़ने की कोई योजना, जिस तरीके से उनसे पूछा गया था एक इंटरव्यू के दौरान कि चुनावी राजनीति से जोड़ने की योजना है, तो उन्होंने कहा था कि यदि लोग चाहेंगे तो मैं राजनीतिक पार्टी बना सकता हूं, लेकिन यह लोगों और मेरे समुदाय पर निर्भर है कि वो निर्णय लेंगे कि मुझे आगे क्या करना है। देखिए, अन्ना आंदोलन हुआ तो वहाँ से अरविंद केजरीवाल ने जन्म लिया, और अरविंद केजरीवाल ने जो बातें की थी कि मैं एक सामाजिक में काम करना चाहता हूँ, मैं कोई पार्टी नहीं बनाना चाहूँगा, और उन्होंने अब पार्टी बना ली और आम आदमी पार्टी के नाम से वो दिल्ली में कार्यरत भी हैं। वही उसी पदचिन्हों पे लगता है कि हार्दिक पटेल भी चल रहे हैं, कि हार्दिक पटेल जो पाटीदार समाज के लिए एक बहुत अच्छा काम कर रहे थे, जो जिन्हें देखा जा रहा था कि वो पाटीदारों का हक दिलाने के लिए करेंगे, लेकिन राजनीति में कभी उन्होंने सोचने का ऐसा कोई बयान नहीं दिया था कि वो राजनीति में जाएंगे, लेकिन वही काम वो भी करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि अगर आज हार्दिक पटेल की उम्र 25 से ऊपर होती तो शायद आज हार्दिक पटेल भी चुनाव लड़ रहे होते, और उन्होंने अपने दोस्तों के लिए टिकट की मांग की है, उनके कुछ करीबी दोस्त हैं उनके, उनको टिकट वो दिलवाएंगे और वो उसके लिए लड़ेंगे भी।
आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से कहा है कि जो पाटीदार नेता लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं उन्हें मौका दिया जाएगा तो वे और उनके साथ जुड़े लोग कांग्रेस का जमकर प्रचार करेंगे। हालांकि चर्चा ये भी है कि हार्दिक ने अपने तीन खास लोगों के लिए कांग्रेस से टिकट मांगा है। बताया जा रहा है कि हार्दिक ने अपने दोस्तों में किरीत पटेल, ललित वसोया और मनोज पनारा के लिए कांग्रेस से टिकट मांगा है। मैं आपको एक खास बात बता दूं कि जब उन पे हार्दिक पटेल को इंटरव्यू में पूछा जा रहा था कि फिर से टेप दिखाई दे रहा है, शख्स कौन है, मतलब उन्होंने टेप सीडी कांड के बारे में चर्चा की थी, तो उन्होंने कहा था कि मुझे इस मामले में जांच के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपए चाहिए। मतलब अगर इस सीडी कांड की जांच अगर करवानी है तो फिर हार्दिक पटेल ने कहा है कि मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए होगा तब जाके मैं सीडी की जांच करवाऊंगा। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि 10 करोड़ रुपए आएंगे, जिस तरीके से जो उन्होंने आरोप लगाए थे कि बीजेपी ने 40 करोड़ रुपए खर्च किए हैं सीडी के पीछे, लेकिन अब वही बात हार्दिक पटेल बोल रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए उनके पास होते तो वो सीडी की जांच करवाते, लेकिन 10 करोड़ रुपए नहीं है तो कैसे करवा सकते। कहीं ना कहीं पाटीदार के नेता हार्दिक पटेल में कहीं ना कहीं मुझे लगता है खोट है, क्योंकि मैं संभावना सिर्फ व्यक्त कर रहा हूँ, मैं सीधे सीधे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन लगता है कि 10 करोड़ अगर जांच की जाए, अगर वो आप बीजेपी से भी मांग कर सकते थे, सरकार से भी मांग कर सकते थे कि इस सीडी की जांच करिए और पता लगाइए कि मैं हूँ या फिर और कोई अन्य है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि 10 करोड़ चाहिए होंगे जांच कराने के लिए, अगर 10 करोड़ उनके पास होते तो शायद वो सीडी की जांच करवाते। खैर देखना होगा कि किस तरीके से सियासत करवट लेती है, पाटीदार और कांग्रेस के बीच क्या और नया होने वाला है या फिर कोई षड्यंत्र होगा, क्योंकि बहुत सारे ट्विस्ट हैं जो गुजरात के चुनाव में आपको देखने को मिलेंगे और हम हर सारी अपडेटों को आपको एक से एक अपडेटों को आपको देते रहेंगे। लेकिन आज के लिए लेते हैं विदा, कल फिर मुलाकात होगी गुजरात के दंगल में किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।